मैं सोनिका आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़की को लाइन कैसे मारे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिन लड़कों को लगता है ना कि लाइन मारना छोटा सा काम होता है, चुटकियों में लड़की को पटा सकते हैं, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों को लाइन मारना कोई छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। तो इसलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि लड़कियों को लाइन कैसे मारे जिससे आपका काम भी हो जाए, उनको बुरा भी ना लगे और लड़के आपसे इम्प्रेस भी हो जाए। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि लड़की को लाइन कैसे मारे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर वन पॉइंट है कि लड़की को लाइन मारने की जो शुरुआत है ना, वो आंखों से होती है। तो इसीलिए जब वो लड़की आपके सामने आती है, आपके आसपास होती है, तो आपको सिर्फ उसकी आंखों में देखना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई भी गलत इशारा नहीं करना है या फिर उस लड़कियों को घूरना नहीं है। अगर आप घूरने लगे तो समझ लीजिए आपका काम बिगड़ जाएगा वहीं पे। तो इसलिए उसे घूरना नहीं है, सिर्फ उसकी आंखों में देखना है। कुछ सेकंड के लिए आप देखते रहो, अगर वो रिप्लाई नहीं करिए तभी भी सिर्फ उसकी आंखों में कोशिश करें, आंखों में देखने की कोशिश करें। और जब पलट के वो लड़की आपको देखती है, आंखों में देखती है, तो समझ लीजिए आपका 20% काम तो वहीं पे हो गया। बहुत ज्यादा चांस होंगे कि लड़की आपसे धीरे धीरे इंप्रेस हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि अब आपको लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, उसे पे लाइन मारने के लिए आपको दूसरे स्टेप में ये करना है कि आप उसको देखने के साथ साथ आपको अपने फेस पे स्माइल लानी है। क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हो ना, तो जब आप उसे देख के स्माइल लाते हो ना, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इससे आपके पार्टनर को या उस लड़की को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आप उसके बारे में क्या फील करते हो, क्या सोचते हो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि स्माइल लानी है, ऐसा नहीं है कि आप हंसने लग जाओ। हंसना एक अलग बात होती है और मुस्कुराना एक अलग बात होती है। तो इसीलिए जब आप उसे देखते हो ना, तो आपके फेस पे स्माइल भी होनी चाहिए, मुस्कुराहट के साथ आप उसे देखो। तो इससे भी आप उस लड़की को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि जब आप लड़की को लाइन मारते हो, तो आपको उस समय इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको उसकी आंखों में देखने के साथ साथ आपको आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करनी है कि बेशक कुछ ही सेकंड के लिए सही, लेकिन आई कॉन्टेक्ट जरूर बनाओ। अगर वो लड़की आपकी आंखों में देखती है, आपकी आंखों में फेस टू फेस होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी आपसे धीरे धीरे इंप्रेस हो रही है। और जब आप कंटिन्यू उसे देखते रहते हो, तो ऐसा तो जरूर होगा कि वो चुप चुप के आपको जरूर देखेगी। अगर वो आपको पसंद करने लगी होगी, तो वो भी आपको तिरछी नजरों से और छुप छुप कर देखने की कोशिश करेगी। उसके फेस पे स्माइल होगी जब वो आपको देखेगी। तो इस बात को भी समझ के आप समझ सकते हो कि वो आपसे धीरे धीरे इंप्रेस हो रही है, आसानी से आपसे इंप्रेस हो जाती है। अगला स्टेप है कि इस स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको कोई उसे इशारा देना है कि जब आप उसे देखते हो, आपने उसने आपको रिप्लाई में स्माइल करी, आपको देखा, तो अब आपको उसे कोई इशारा देना है कि जैसे कि इशारे के थ्रू आप उसे ये बताओ कि आप उसे लाइक करने लगे हो, आप उसे पसंद करने लगे हो। इसके लिए आप कोई भी गिफ्ट ले सकते हो, चाहे रोज ले सकते हो या रेड रोज ले सकते हो या पिंक रोज, जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा जो आपको गिफ्ट देना हो, सरप्राइज देना हो, वो ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो या उस लड़की को जो अच्छा लगता हो। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप उसे लाइक करते हो या फिर उसे इंप्रेस करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आपने उसकी पसंद के बारे में भी जाना होगा कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। तो जब आप उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उसे कोई गिफ्ट देते हो, अगर उसने कोई भी आंखों से इशारा करा हाँ लेने का, जो भी इशारा करा, या वो कुछ ना कुछ आपको इशारा करती है कि हाँ भाई आपका प्रपोजल उसने एक्सेप्ट लिया है या फिर गिफ्ट को वो लेना चाहती है, तो समझ जाइए कि आपका काम पूरी तरह से हो चुका है, वो लड़की आपसे आसानी से इंप्रेस हो चुकी है सिर्फ लाइन मार के ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने ये जान लिया है कि लड़की को लाइन कैसे मारे जिससे आप उसे आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।